एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का सारा काम करती और फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में पक्षियों को दाना डालती हुई जाती थी। उसके घर में दो पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना और पानी डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों का दाना डालते समय जमींदार के बेटे ने देख लिया और अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा के साथ करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के दो पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों का पहले की तरह ही अब भी ध्यान रखती थी, रोज उनको दाना डालती और पानी पिलाती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको पक्षियों का चहचहाना अपना सरदर्द लगता था, इसलिए वह कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिससे कि पक्षियों को परेशान किया जा सके। वह उनका दाना पानी जमीन पर फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया और यह करते हुए राधा ने उसे देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा बहुत परेशान हो गई। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे थे। राधा की सास को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको अपने साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की, लेकिन राधा के पक्षियों ने आकर उन चोरों पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे चोर भाग गए और इसके बाद राधा और उसकी सास सुरक्षित घर लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के लिए बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों मिलकर इन पक्षियों का ध्यान रखेंगे, इनको दाना देंगे और इनको पानी पिलाएंगे। पहले के दो पक्षियों को अपने घर वापस ले आएंगे। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो गई और उसने अपनी सास को समझाया कि प्रेम से हम जिसको भी चाहें उन्हें अपने सच्चे साथी बना सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।